हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डीएम और मैं आपको मेरी चैनल में वेलकम करता हूं। टुडे हम पोस्ट प्रोडक्शन का टॉपिक लर्न करेंगे, जो कि हमारे वीरे रेंडर पे एलिमेंट ऐड करके जो हमारे वीरे फाइल होती है, यानी जो भी हमारे रेंडर फाइल होती है, रेंडर एलिमेंट्स होती है, वो सब हम फोटोशॉप पे इंपोर्ट करके पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कोई फोटो फाइल एंड सीट और फाइल इनटू स्टार्ट्स ब्राउजर एंड ओपन योर फोल्डर। So, select which file you are needed. Okay. Hit OK. Wait for some time. It's take a little bit time. So, हमारी सारा इमेज यानी सारा जो एलिमेंट्स है वो इनपुट हो चुकी है, तो हम उसको अरेंज कर लेंगे थोड़ा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारी वायर कलर रहेंगे, फिर अल्फा जो हमारी मेन आरजीबी कलर होती है उसको नीचे लेके आ जाएंगे, फिर स्पेक्युलर, lights, reflection and shadow. तो ये हमारे एलिमेंट हो चुके हैं। फर्स्ट वायर कलर, सेकंड अल्फा, थर्ड शेडो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक पे, यानी पोस्ट प्रोडक्शन पे किसी पे किस पे एक तो वीरे शेडोज की रिक्वायरमेंट रहती है और किसी पे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो आप जब रेंडर करोगे तो एलिमेंट का ऐड करते टाइम ये आप थोड़ा कंसीडर कर लेना। ओके, वीरे लाइट, वीरे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड आरजीबी, जो हमारी आरजीबी है मेन, या हमारी रेंडर फाइल फाइनल रेंडर फाइल भी रहेगी। अब हम ये सब पोस्ट प्रोडक्शन पे लाके इनका थोड़ा सा लाइटिंग अरेंजमेंट और थोड़ा गेटअप चेंज करेंगे। चलिए अब फर्स्ट हम वीरे रिफ्लेक्शन को ऑन करते हैं और इसको हम यहाँ पे आके स्क्रीन कर लेते हैं, और इसकी जो अमाउंट रहेगी हम थोड़ा कम करेंगे, यानी 20% करते हैं, 20% भी ज्यादा हो रही है तो 10% बाद में हम चेंज करेंगे इसे। अगर हमें रिक्वायरमेंट लगती है कि हमें थोड़ा और इसका अमाउंट कम ज्यादा करनी है तो हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरे रिफ्लेक्शन हम स्क्रीन कर लेंगे, स्क्रीन रिफ्लेक्शन का अमाउंट भी थोड़ा सा लेस कर दें क्योंकि ये बाकी काफी रिफ्लेक्शन दे रहा है। 10% करते हैं, 10% थोड़ा ज्यादा कम आ रही है, 20 इज इनफ। ओके, 25 इनफ लगता है मुझे।
ये लाइट्स इसको भी हम स्क्रीन कर लेते हैं। आपको जैसा ठीक लगता है, यानी मेरा अमाउंट को आप कॉपी मत करना प्लीज। आप अपनी व्यू की अकॉर्डिंग जो आपको डाइट की अमाउंट सब परफेक्ट लगती है आप वो लीजिएगा, और जो रियलिस्टिक लुक आने के लिए जितनी आपको लाइट की जरूरत है आप उतनी रखिएगा। स्पेक्युलर अगर आपको स्पेक्युलर पे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। पेन ड्रॉ करके डिलीट कर लेते हैं फिर शेडोज इसको भी हम स्क्रीन कर लेते हैं। फिर शेडोज को काफ़ी टाइप का काफ़ी लोग यूज करते हैं, तो हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम वही करेंगे। इसका प्रोसेस काफ़ी अलग अलग रहती है, तो इसका 100% में काफ़ी लाइट दे रहा है यानी शेडोज ठीक से नहीं आएंगे, तो हम इसको 20 करेंगे। 20 पे भी परफेक्ट नहीं आ रही है, फिर हम करते हैं ये हमारी इमेज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मैंने एक ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी कर लिया, मैंने उसको कंट्रोल जेड करके मूव कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब 95% का जूम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस आ रहा है। और नॉइस किसकी वजह से? मेरी लाइट लाइट हमें प्रॉब्लम दे रही है, थोड़ी सी नॉइस दे रहा है ये लाइट। हम इसको ज्यादा दे रही है, अमाउंट जितने ज़्यादा करेंगे तो ग्रे लाइट उतना ज़्यादा दे रही है। वॉइस थोड़ा सा कम करते हैं ताकि वॉइस कम दें हम। बस ऑन कर लेंगे फिर इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। ओके जीमेल पे चलते हैं और प्रेस ऑन करके हमने स्मार्ट कर लेते हैं इसको और फिर चलेंगे स्क्रीन करते हैं। आपका ओके है फिर हम इसको एंटर करके प्रेस कर लेंगे। अब ये सब जो हो चुका है अब हम ये सब मर्ज करके एक लेयर पे कंप्लीट करेंगे, तो प्रेस कंट्रोल सिर्फ ऑल्ट प्लस ई
ये हमारी लेयर सब मर्ज होके एक लेयर पे ही आ चुकी है। आप एक बार चेक करने के लिए हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। देख सकते हैं काफी ज्यादा लुक चेंज हो चुकी है इसकी। अब हम इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। ये हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। देन फिल्टर पे आके कैमरा रॉ फिल्टर करेंगे। फर्स्ट हम ये इमेज को ऑटो करके एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे कितने ले रही है, कितने दे रही है, यानी कलर कॉम्बिनेशन कितने ये खुद वो खुद एडजस्ट कर रही है। अगर हम इस पे ऑटो पे सेटिस्फेक्शन है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम थोड़ा सा इसको एडिट करेंगे हमें जैसे ठीक लगता है। ठीक है, इसको एडिट कर लेते हैं। अब हम इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि आप कितने फर्क आ चुकी है हमारे। अब थोड़ा सा जो नॉइस हमारे आ रही है हम अभी वायर कलर पे जाके ये थोड़ा नॉइस को हम क्लियर करेंगे। हमारी इमेज अब 100% है ताकि हमारी जब इमेज 100% जूम हो तो हमें थोड़ा नॉइस ये नहीं दिखना चाहिए। तो यही कि हम वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। तो हम मेन आरजीबी कलर पाएंगे।
मैंने आरसी से कलर पे जाने से पहले हम सिलेक्ट करते हैं मैजिक टूल लेके प्रेस करके ऐड कर लेंगे। हमारा फैन भी व्हाइट कलर का है तो फैन को व्हाइट कलर ही दे देते हैं। आज भी कलर का है और फिल्टर ले लेते हैं। अब ये पासेस को हम ऊपर ले लेते हैं। आज भी कलर को ऑफ करके ये जो कर्व एडिटर है ये जो प्रॉपर्टी है इसको बाहर ले आ लेते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट करें फर्स्ट फोटो ऐसे भी काफी डार्क कर दिया है। रिजल्ट करके एक बार ये काफी डार्क हो चुका है। ये इतना डार्क नहीं चाहिए तो आप 100% जूम पे रखिए ताकि आपका जो नॉइस आ रही है वो आपको विजिबल नहीं होनी चाहिए। बस आप वाइट कलर के फोर को सिलेक्ट कर दीजिए। एडिटर उसको भी दे देते हैं। ओरिजिनल तो लुक तो आया है वापस हम अब हम हमारी ये वॉल पेपर हाईलाइटर हम वर्क करेंगे। वापस जाके इस पर सिलेक्ट करेंगे पूरे वॉल पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं।
पेन खोल ले लेते हैं। फोटो रियलिस्टिक करना चाहिए। अब हम थोड़ा सोफे पे वर्क करेंगे। मैंने आरजीबी कलर वापस सेलेक्ट अगेन, या आप देख सकते हैं ये काफी सारा सेलेक्ट हो चुका है। करेंगे हो रहा है तो फिर आप इस पर आपको प्लस रहेगा, आपका माइनस रहेगा, और प्लस करके लिए आप माइनस करेंगे। सिलेक्ट हो चुका है, मैंने आरजीबी कलर पे और फिल्टर ले लेते हैं। हमारे गोल्डन के कटिंग है इसको सिलेक्ट करके ये प्रॉपर नहीं है तो हम इसको ठीक कर देते हैं। बस आगे भी बोले तो जाएंगे हम सिलेक्ट करेंगे।
ये हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, तो हम कलर को वापस आ जाएंगे, इसको हम ऑफ कर देते हैं। और वेरी टू डू देते हैं, और वेरी टू को ले लेते हैं। देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है हमारा, देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम ये सब ऑफ करके एक बार ये हमारे आरजीबी रेंडर कलर ओपन हुआ था, जो हमारा प्री रेंडर हुआ था फाइल, ये वो फाइल है। अब हम पासेस देने के बाद हमारी इमेज कुछ इस तरह का दिखेगी। हम थोड़ा सा ये कटन को है कटन और कुशन और दे देते हैं, वापस हम आरजीबी कलर पे आते हैं एंड सिलेक्ट कटन। ये दोनों अलग कलर है, तो हम ये दोनों अलग अलग कलर है, यानी जो हमारे मेन आरजीबी कलर है वो ऑफकोर्स से अलग है। देख सकते हैं तो ये लाइट है और ये थोड़ा डार्क है, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी पासेस लेंगे। कर्व एडिटर, ये कर्व एडिटर को हम रखेंगे, तो दूसरा सिलेक्ट करते हैं। ये कटन भी हमारे सिलेक्ट हो चुकी है, तो इसको थोड़ा एक पर एडिटर तब पता चलेगा पर है फर्क पता चल रहा है आपको। एक और दे देते हैं, ये हमारी फाइनल हमारी इमेज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नाउ वी आर गोइंग सेव द फाइल। सेव भी कर लेते हैं, रिव सेव द फाइल। ये ग्लास का टॉप को थोड़ा हम यूज करेंगे, तो जाएंगे जितना हो सके उतना सिलेक्ट कर लीजिए, ये रहेगा आपके लिए। आएंगे और वो एडिटर को ऊपर ले लेते हैं, तो
फाइनल तेरा कुछ तो लग रहा है, कुछ तो लग रहा है। आपको ये आपने इस पर प्लेयर हो रहा है, लग रहा है थोड़ा सा लग रहा है कि हम यहाँ पे कर सकते हैं, वापस आजमी कलर पे चले जाते हैं। पूरा इमेज ही सिलेक्ट हो रही है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो हम पासेस को ही डिलीट कर लेते हैं। फिर फाइल और कैरेक्टर और कलर पासेस और ब्राइट करते हैं ताकि हमारी लाइट्स का लुक आए। और ये हमारे फूल की This is the final image. After that, and after that, and before you saving, और पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले देन हाँ all done. Now you can save your image. Okay. Save as. First, save your file. Then set your JPG file.
Now you can compare both files. Now you can compare both of files. This is the our render file. This is the our post production file. You can see also there are many differences, and this is the actual photorealistic image. Okay. So here I finish. So मैं यहाँ पे इस वीडियो का एंड करता हूँ. तो आप बने रहिए हमारे साथ. तो इस वीडियो का मैं अभी यहाँ पे एंड करता हूँ. आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.